सवाल है हमारे पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब हमें यहाँ पे एक्स का इंटरवल बताना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म है। एक्स की वैल्यू कैन नेवर बी 2। आगे अगर चलेंगे तो पहला केस जो हमारे पास बनेगा, जब एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। जब एक्स माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, ग्रेटर देन 2 आ जानी चाहिए। ये तो क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, केस 2 की अगर बात करेंगे, जब एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए। या यू बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो मॉडुलस खुलेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 इज अपॉन में एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इससे ये वैल्यू पता है तो माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो एक एब्सर्ड सा स्टेटमेंट हो गया। मतलब ये वाला केस यहाँ सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ये इनइक्वालिटी प्रॉपर एक इनइक्वालिटी बना ही नहीं रहा है, केवल ये केस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। हेंस अपना आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी।